मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को राहुल गांधी के ग्वालियर चंबल दौरे वाले दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विजयपुर विधानसभा से 6 बार कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत भाजपा में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लगा है। इंदौर में अक्षय कांति बम के बाद विजयपुर विधानसभा से 6 बार के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। मंगलवार को मुरैना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समक्ष कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने भाजपा की सदस्यता ली। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के साथ मुरैना महापौर शारदा सोलंकी और करीब 2000 कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। बता दें कि लंबे समय से रामनिवास रावत पार्टी से नाराज चल रहे थे। 1 माह से उनके भाजपा में जाने की अटकलें चल रही थी। रामनिवास रावत ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। इधर रामनिवास रावत के भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने रामनिवास रावत पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने रामनिवास रावत को क्या नहीं दिया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, लेकिन अब क्या भाजपा उन्हें मंत्री विधायक बनाएगी या कोई पद देगी। उन्होंने कहा कि अभी वे विधायक बने थे और इस्तीफा दे दिया, अब फिर चुनाव लड़ेंगे। इस देश में क्या चुनाव होते रहेंगे, अब चुनाव इन दल बदलुओं पर केंद्रित हो गया है। क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उनको, अब ये और बता दें कि उनको कब मंत्री बना रहे हैं और क्या सौदेबाजी इसके पीछे हुई है। अभी अभी वो विधायक बने हैं, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली, इस्तीफा देंगे फिर चुनाव लड़ेंगे, तो इस देश में चुनाव चुनाव होते रहेंगे क्या? और मुझे एक चीज आप लोग बताइए, क्या ये चुनाव केवल दल बदलुओं पर चर्चा के लिए केंद्रित किया गया है? बीजेपी 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश करेगी? बीजेपी ये नहीं बताएगी कि नौकरियों की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, खेत खलिहान और धरती के रंग जैसे किसान की क्या कठिनाइयां हैं? ये अपना भविष्य का रोड मैप रखें, 10 साल की उपलब्धियां बताएं? ये तो पूरा का पूरा चुनाव एक दल बदलुओं और बेईमानों पर केंद्रित हो गया है। इस देश में इतने वैज्ञानिक हैं, इतने शिल्पकार हैं, इतने मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, खिलाड़ी हैं, वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, क्या 1 मिनट भी स्पेस नहीं है टेलीविजन चैनलों पे उनके लिए? 24 घंटे दल बदलुओं की चर्चा, कोई एक क्रिएटिव काम चुनाव में हो, कुछ ऐसी बात हो कि जो क्रिएटिव हो और देश की जनता के हित में हो, वो तो हो नहीं रही। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।